23 जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो, मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कुछ दिन पहले बाज़ार से मिर्चियाँ लीं और उसके अंदर काफ़ी एक लंबी सी हरी मिर्च आई और इसको कुछ दिनों के लिए मैंने शेडी एरिया में रख दिया तो ये रेड हो गई और इसके अंदर ये देखिए बीज भी पक चुके हैं। अब हम इन सीड्स को लगाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ये जर्मिनेशन अपनी शुरू करते हैं या नहीं। अच्छे बीज की निशानी ये होती है कि वो वाइट कलर का होगा और साइज़ भी उसका अच्छा होगा। जो सीड्स कच्चे होते हैं ड्राई होने के बाद में वो काले पड़ जाते हैं, इसलिए उनकी जर्मिनेशन सही से शुरू नहीं हो पाती। तो ये बीज सारे के सारे ही वाइट नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब इनकी जर्मिनेशन अच्छे से चल सकती है। तो चलिए सीड्स को मैं निकाल लेता हूँ। अभी भी इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है लेकिन हमारे जो सीड्स हैं वो पक चुके हैं, इनको मज़ीद ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इनका साइज़ भी अच्छा है और कलर भी। हमें ये खूबसूरत लगी इसलिए हम इसकी सीडलिंग करना चाहते हैं। तो आप भी बाज़ार से मिर्चियाँ जो लाते हैं उसको ड्राई करने के बाद में बीज लगा सकते हैं। एक ट्रे ले रहा हूँ मिट्टी की, इसके अंदर मैं मिट्टी भर लूँगा जिसमें 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा पत्तों की खाद। अब यही सीड्स हम रखेंगे। फैला दीजिए, बस एक जगह पर बहुत सारे सीड्स नहीं रखने हैं आपने, इसको स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए। अब इसी मिट्टी से दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे। आप चाहें तो ओनली बालू मिट्टी के अंदर भी सीड्स लगा सकते हैं। बरसात के दिन हैं, बारिश हो सकती है, इसलिए हम गमले को ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर बारिश ना आती हो। अगर इनमें से हमारा एक भी पौधा बन गया तो हमें बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त के सीड्स थे। चलिए जनाब, अब पानी देंगे हम ट्रे की मदद से। ये गमला खुद ही पानी को ले लेगा और मिट्टी का ऊपर वाला एरिया गीला हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा पानी जितना भी होगा इस ट्रे के अंदर से हम निकाल देंगे और जल्दी पानी नहीं देंगे जबकि ऊपर वाला एरिया थोड़ा थोड़ा सा ड्राई फील ना हो। वैसे भी बरसात के दिन हैं तो जल्दी पानी खुश्क होता ही नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ दिनों के बाद में, इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। होप कि अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। 5 दिन बाद मिर्च के बहुत सारे सीड अब जर्मिनेशन अपनी शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्द ये मिट्टी से बाहर भी निकल आएंगे। ग्रीन ग्रीन सा एरिया हमें दिख रहा है, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता से ये पौधे बन रहे हैं और मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश में हैं। तो चलिए जल्दी से इनको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। 8 दिन बाद बहुत सारे बीज जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए और पौधे भी बनना शुरू हो गए, लेकिन इसको मैंने रखा हुआ था शेडी एरिया में, ऐसा एरिया जहाँ पर डायरेक्ट बारिश ना आती हो और ना ही फुल डे की धूप आती हो। लेकिन छोटे पौधे और बड़े पौधे उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं जहाँ से ब्राइट लाइट आ रही हो। तो इस साइड से इनको सूरज की तेज़ रोशनी मिल रही थी, मतलब थोड़ी बहुत रोशनी मिल रही थी, तो उसी डायरेक्शन में ये अपने आप को बढ़ा रहे हैं। अब इसको मैं फुल धूप में रख दूँगा, ओपन में रखूँगा, लेकिन बारिश का ध्यान रखना पड़ेगा, बरसात का मौसम है। अगर डायरेक्ट इसके ऊपर बारिश होती है तो छोटे छोटे पौधे की रूट्स मिट्टी से हट जाएंगी और पौधे हमारे मर जाएंगे, इसलिए पानी के ऊपर भी फोकस रखना है। मिट्टी हर वक्त नम रहनी चाहिए, पानी ऊपर से नहीं देंगे बल्कि ट्रे वाले मेथड से देंगे। ट्रे के अंदर पानी डाल देंगे और मिट्टी खुद ब खुद ही पानी को ले लिया करेगी और इसको फुल धूप में रखेंगे और देखते हैं कितने दिनों में ये और बड़े होते हैं और कब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होंगे। 14 दिन बाद परसों बहुत ही तेज़ बारिश हुई और मैंने ट्रे को रखा हुआ था छत के ऊपर ताकि इनके छोटे छोटे पौधों को धूप मिल सके और ये स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ कर सकें और अच्छी ग्रोथ बढ़ सके। लेकिन मैं घर नहीं था और अचानक से बारिश आ गई, क्योंकि बरसात के दिन हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कब बारिश आ जाए। तो बारिश इसके ऊपर होने की वजह से बहुत सारे पौधे नीचे गिर गए और बहुत सारे सीड्स भी ख़राब हो चुके होंगे। जो आप देख सकते हैं ये मिट्टी से बाहर निकल चुके हैं, जो मिट्टी से बाहर निकल आते हैं बीज उनकी जर्मिनेशन शुरू ही नहीं हो पाती। बहुत सारे पौधे हमारे ख़राब हो गए हैं लेकिन कुछ पौधे अभी भी स्टेबल हैं, थोड़ी बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। अगर इनमें से एक पौधा भी हमारे पास बच जाता है हमारे लिए यही काफ़ी रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त के बीज थे।
कभी कभी ऐसा सब चलता है। मोस्टली 80% हमें अच्छा रिजल्ट मिला था, सारे सीड जर्मिनेशन अपने शुरू कर गए थे, लेकिन कुदरत के आगे हम बेबस रह जाते हैं। अब देखते हैं कितने इनमें से बचते हैं और कितने और मरेंगे, तो आप मेरे साथ रहें। 31 दिन बाद अब हमारे मिर्चों के पौधे कुछ बड़े हो गए हैं और ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो चुके हैं। बारिश की वजह से बहुत सारे हमारे पौधे मर भी गए और बहुत सारे बीज मिट्टी से बाहर निकला है, जिसकी वजह से उनकी जर्मिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम हुई और वो जर्मिनेट नहीं हो पाए। तो जितने भी हमसे हो गए हैं इतने भी काफ़ी हैं। हमारे घर की ज़रूरत के लिए 4 पौधे भी हमारे पास हों तो हमारे किचन की नीड पूरी हो सकती है। तो इनमें से मैं 4 पौधे ही लूँगा, उनको मैं ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ प्लास्टिक के गमले के अंदर, जो तकरीबन 4 या 5 इंच का होगा। इसके अंदर मैंने 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा पत्तों की खाद मिक्स कर ली है। अब हम पौधों को निकालेंगे। ये वाला पौधा ट्रांसप्लांट तो हो सकता है, लेकिन मे भी ये सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि ये काफ़ी लैगी हो गया है। ये वाइट एरिया इसका काफ़ी लंबा हो गया सूरज की रोशनी की कमी की वजह से। अगर इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं इसका चांस होगा मे भी ये ग्रोथ कर जाए, मे भी ये मर जाए। लेकिन दूसरे पौधे जो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर ही ग्रोथ कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। एक गमले के अंदर मैं 2-2 पौधे शिफ्ट करूंगा। उसकी वजह ये है कि हो सकता है एक पौधा हमारा सर्वाइव ना कर पाए, तो बैकअप के तौर पर आपके पास एक पौधा एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर दोनों की ही ग्रोथ हो गई तो जब ये थोड़े थोड़े बड़े होंगे तो हम इनको एक को काट देंगे। 4 गमलों के अंदर 8 पौधे। ये वाला सबसे बड़ा था जो एक साइड पर झुक रहा था, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के अंदर दबा दिया है। अब हम इनको पानी देंगे। पहला पानी बहुत ही डिपेंड करता है पौधे की रूट्स के लिए, मतलब जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं पौधे को मिट्टी के अंदर, तो पहली बार में बहुत ही अच्छा पानी उसको देना है, मतलब ज़्यादा पानी देना है, जिसको ओवर वाटरिंग कहते हैं वो हमने करनी होती है, ताकि मिट्टी अच्छे तरीके से वेट हो जाए, बहुत ज़्यादा गीली हो जाए, क्योंकि रूट्स को हवा लगी होती है और नई जगह पर जाने के बाद में वो नए सिरे से ग्रोथ करेगी। अगर उसको पानी की कमी हो गई तो समझ जाइए वो पौधा आपका सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अभी इसको हम फुल धूप में तो नहीं रखेंगे, शेडी एरिया में ही रखेंगे 2 से 3 या 4 से 5 दिनों के लिए, उसके बाद में हम इसको फुल धूप में भी रख सकेंगे, क्योंकि अभी अभी ट्रांसप्लांट किया है। इसके पत्ते झुक भी सकते हैं, लटक भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी पौधा हमारा मरेगा, इसका कोई अभी कह नहीं सकते, लेकिन ये मरने की हालत के करीब तो नहीं है। मुझे लगता है कि ये भी सर्वाइव कर जाए। तो 8 पौधे 4 गमलों के अंदर, अगर ये बड़े हो गए, इनमें से कोई भी ना मरा, तो फिर इसी तरह रूट बाउल को हम निकालेंगे दोनों पौधों समेत, तो बड़े गमले के अंदर, मतलब ग्रो बैग के अंदर मैं उनको शिफ्ट कर दूंगा। अगर छोटे गमले के अंदर लगाना होगा तो फिर एक को हम काट देंगे और उसको ख़त्म कर देंगे, ताकि दोनों की रूट्स छोटी जगह पर आपस में फाइट ना करें। फाइट से मुराद ये है कि रूट बाउंडिंग ना हो जाए, ज़्यादा जगह मिलेगी तो रूट बाउंडिंग का भी कोई ख़तरा नहीं रहेगा। तो देखा आपने, हमने बाजार वाली मिर्च जो हम घर में अपने किचन में यूज़ करते हैं उसके अंदर से सीड्स किस तरह कलेक्ट किए और किस तरह उगाए। आप भी इस तरह उगा सकते हैं, फ्रूटिंग ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मार्केट से आपको बीज खरीदने पड़ेंगे या हमारे द्रास स्टोर से आपको बीज खरीदने पड़ेंगे। आपके घर में मिर्चें जो आती हैं किचन में, आप उनमें से सीड्स को निकालिए और इसी तरह लगा लीजिए। अभी काफ़ी मौसम पड़ा हुआ है इसका, आज 23 अगस्त है, तो आप अभी भी इसके सीड्स लगा सकते हैं, या 4-5 दिनों के लिए मिर्च को ड्राई कीजिए, उसके अंदर से सीड्स को लीजिए और लगाइए 15 अक्टूबर से पहले पहले, ताकि फरवरी मार्च के महीने तक ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर आ जाएं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।